नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ऑटो जनरेट रिज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको रिज्यूम जनरेट करना नहीं आता तो हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे जहां पर आप केवल अपनी डिटेल को फिल करेंगे और वो डिटेल फिल होने के बाद ऑटोमेटिकली रिज्यूम जनरेट हो जाएगा। यदि आप ऑटोमेटिक रिज्यूम जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ओपन कीजिए। यहाँ पर आप ब्राउजर में टाइप कीजिए cool3cv। यहाँ पर कूल फ्री सीवी वेबसाइट आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा। आप सिंपल सा इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप वेबसाइट में आने के बाद सीवी बिल्डर पीडीएफ पे आप पे क्लिक करना है एंड नीचे आना है। नीचे आने के बाद कोई भी आप यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ सिंपल सा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है गो टू ऑनलाइन सीवी बिल्डर फ्री, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए जो भी आपको टेम्पलेट ठीक लगे। एंड यहाँ पर आपके सामने ब्लैंक फॉर्म आएगा, आपको इसको फिल करना है तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट है एंड एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल, तो यहाँ पर नेम आएगा, नेम हम डाल देते इसमें अजय। एंड एड्रेस फोन नंबर एंड ईमेल, ठीक है। तो आप अपनी यहां पर नेम एंड सरनेम जो भी डिटेल है फिल कीजिए। प्रोफेशनल समरी, तो यहाँ आप समरी डाल देंगे जो भी आपको डालनी है प्रोफेशनल में, तो यहाँ मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एंड यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर जो भी आपने वर्क किया है वो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस डालेंगे, तो आपने कब से कब तक किया है जो भी है आप डाल दीजिए। तो हम डेट डाल देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस हमने किया है 2020 में, ठीक है। एंड सिटी कहाँ पर किया है, एंड ग्वालियर, ठीक है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ बुलेट्स लगाकर, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था, जो भी आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ पर डाल देते ग्राफिक डिजाइन, और आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे, एड न्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपको और डालना है वर्क एक्सपीरियंस तो आप और डाल सकते हैं एड न्यू पे क्लिक करके, ठीक है। अगर नहीं डालना तो यहाँ से आप क्लोज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे और डालेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पर डिजिटल, ठीक है। एंड और फिल रखना है तो आप फिल कीजिए, और आपको कट जॉब की वर्क एक्सपीरियंस की और भी डिटेल डालनी है तो हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। एंड यहाँ पर एजुकेशन आप डाल सकते हैं, तो हम पास आउट है 2019 में स्कूल या सिटी, यहाँ पर जो भी है स्कूल का जो भी आप इंफॉर्मेशन वह डाल देंगे यहाँ, तो हम ग्वालियर लिख देते हैं। डिग्री एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम बीकॉम लिख देते हैं, ओके। एंड यहाँ पर इतनी फिल होने के बाद और आपको एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ऐड करके, फिलहाल हमें इतना ही रखना है। लैंग्वेज आप किस तरह की लैंग्वेज आप बोल सकते हो जो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश लेवल आप डाल सकते हो, ठीक है। बिगनर हो जो भी है यहाँ पर आप डाल सकते हो, तो A1 यहाँ पर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा A1 बिगनर, ठीक है। यहाँ पर A2 जो भी है इंफॉर्मेशन डालिए, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, A1 डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या डालना है, आप देख लीजिए। अगर आप और यहाँ पर
बेसिक उठा दी थी हमने। यहाँ पर और भी आप डाल लैंग्वेज आपको पता है तो यहाँ डाल देंगे हिंदी, ठीक है। और भी आप जानते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए बिगनर है, ठीक है, प्री इंटरमीडिएट है, ठीक है, एंड एडवांस है, जो भी है एक्स वाई जेड आपको तय करना है कि आपको लैंग्वेज किस तरह। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले को ही यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ए1 डाल दें, ठीक है। तो आप जो भी है आप सेट कर लीजिए, केवल हम डिटेल बता रहे हैं। एंड स्किल, आपकी स्किल्स क्या है, देखिए आप क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनर एंड डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटर, स्किल्स डाल दी आपने। रेफरेंस आप डालना है तो डाल सकती हो, ठीक है। मैं केवल इतनी ही डिटेल फिल करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं फिल करना चाह रहा, ठीक है। समरी आप डाल देना, जो भी आपको लगे एक बार आप देख लेना आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डालना चाह रहे हैं। सिंपल सा आपको बस इतना करने के बाद डाउनलोड पर PDF पर क्लिक कर देना है। एंड डाउनलोड पर PDF पर क्लिक कर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और आप क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोड नीचे के साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम जाते हैं PC के अंदर। यहाँ पर हम डाउनलोड सेक्शन खोलते हैं जहाँ हमारी PDF फाइल डाउनलोड हुई है, और यहाँ अजय कुमार का जो हमने बनाया, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया रिज्यूम, ठीक है। तो और भी इसके अंदर टेम्पलेट है, मैंने केवल आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। वेबसाइट में आप जाएंगे तो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो आप प्रॉपरली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमने बेसिक आपको बताया इसमें कि आप कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं, आपको 5 या 10 मिनट में आप रिज्यूम तैयार कर सकते हो। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक थी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर फ़ोटो आपको डालना है या फ़ोटो डाल सकते हो जो मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।